Swami. स्वामी, आपने लक्ष्मण भैया को कहाँ भेज दिया है इस समय? सीते, लक्ष्मण प्रतिदिन के भांति वन से फल फूल और यज्ञ के लिए समिधान लेने गया है। स्वामी, आपने अभी सुना राक्षसों का अट्टहास? सीते, तुम लक्ष्मण की चिंता ना करो, वो राक्षसों से भली भांति निपटना जानता है। स्वामी, इस वन में पग पग पर राक्षसों का वास है। आपके हाथों मारे गए खरदूषण की आत्माएं अब भी इस वन में मंडरा रही हैं। आपको अकेले लक्ष्मण भैया को नहीं भेजना चाहिए था। भैया, मुझे बचाइए भैया। मैं ना कहती थी, इस वन में हत्यारे राक्षसों का वास है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच क्या रहे हैं स्वामी? जाइए बचाइए लक्ष्मण भैया को। मुझे बचाइए भैया। हम आ गए हैं सीते। हमने अपनी मायावी शक्ति से राक्षसों को उत्पन्न करके राम लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा दिया है। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ जनक नंदिनी, क्या हुआ? आप अचानक नींद से क्यों जाग उठी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीते, कहाँ हो तुम? सीते, कहाँ हो तुम? भैया, क्या हुआ भैया? विचारों के भ्रम ने स्वप्न बनकर मुझे जगा दिया लक्ष्मण। जाओ, तुम सो जाओ। आप जागते रहे और मैं सो जाऊं, भला ये कैसे संभव है भैया? आपने क्या स्वप्न देखा? आपने बताया नहीं भैया। सीता मेरे वियोग में तड़प रही होगी लक्ष्मण। जितना सीता भाभी आपके वियोग में वहां तड़प रही होंगी, उससे कहीं अधिक आप यहां पे तड़प रहे हैं। मैं आपका यह दुख नहीं देख सकता भैया, नहीं देख सकता। यूं मन छोटा ना करो लक्ष्मण। जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जब तक सीता से मिलन नहीं हो जाता, तब तक ये वियोग तो बना ही रहेगा। मुझे भी अपने आप पर संयम रखना होगा। मेरी तनिक सी चिंता तुम्हें कितना अधिक व्यथित कर देती है। भूल जाओ उस बात को, आओ अब सो जाए। आप सो जाइए भैया, मुझे अब नींद नहीं आएगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के भाग्य में विधाता इतना भयानक दुख कैसे लिख सकता है। आपने तो सदा ही सबका हित किया है भैया, सदा ही सबकी भलाई की है, फिर विधाता आपके प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भैया। हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता लक्ष्मण, कुछ प्रश्नों को प्रश्न ही रहने दो, समय आने पर उनका उत्तर अपने आप मिल जाएगा।